है गाज़ इट्स मी मोहम्मद आफाक खान बी सी उर्दू की अभी एक ख़बर पड़ी जिसके मुताबिक मौलाना फजलरमान साहब का कहना है कि अगर मदारस नहीं खोले गए तो मदारस के तलबा के पास मसरूफियत के ऐसे मौाक़े मौजूद हैं जो रियासत को कभी भी काबिल कबूल नहीं होंगे अब इस ख़बर को पूरा पढ़ने के बजाय मेरे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने इसी बी, -बी सी उर्दू की पोस्ट के नीचे मदारस को तलबा को और को वो गालियाँ दी कि इंसान दंग रह जाए वो इल्ज़ाम लगाए कि मदारस और मस्ाजिद में जो है यहाँ लवात होती है यहाँ से दहशतगर्दी फैलाई जाती है मेरे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने यह नहीं सोचा कि ये वही बी बी सी है जो हर रमज़ान के महीने में हम जिनस परस्त खातन मर्द और औरतों मुसलमानों को बुलाकर उनके मुंह से इस्लाम को रिप्रेजेंट करवाया जाता है ये वही बीबीसी है जो हर दूसरे दिन आपको बताता है कि दाढ़ी रखने के नुकसान क्या हैं ये वही बीबीसी है जो हर वक्त इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा होता है लेकिन मेरे पाकिस्तानियों को क्या हम तो भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं हमें तो सिर्फ ये याद रखना है कि फ़लाँ शख्स का चेहरा मुझे नहीं पसंद फ़लाँ शख्स मुझे सियासी इसकी इसकी सियासी पार्टी से मेरा इख्तलाफ़ है तो मैं नहीं देखूँगा कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर और मैं बग़ैर एविडेंस के गालियाँ देना शुरू कर दूँगा ताकि मैं इनको और फ्यूल दूँ और दुश्मनने इस्लाम इसी तरीके से प्रोपेगंडा करते रहें आइए मैं आपको जवाब देता हूँ अगर ये मसाजिद ये मदारस दहशतगर्दी फैलाते तो नाइन एलेवन के बाद जब तहरीक तलाबान के ज़रिए कबायली इलाकों के हालात ख़राब करवाए गए जब कबाली इलाके जिनकी वजह से कोई पाकिस्तान को मेरी आँख से नहीं देख सकता तो यही थे जिन्होंने लाहौर में दो हज़ार ग्यारह में बैठ कर तमाम मदारस के बोर्ड्स को बिठाकर ये बाकायदा फतवा जारी करवाया गया कि मसल जो जंग होती है इसको हराम करार दिया गया ताकि न सिर्फ मदारस बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी कहीं ब्रेन वॉश ना हो जाए और कहीं दहशत गर्दी का शिकार ना हो जाए या कहीं दहशत गर्दी में किसी के लिए अलाकार ना बन जाएँ ये मदारस और मसाजिद का येमा का इतना बड़ा आप लोगों के लिए काम है अगर आप इनको सैल्यूट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बग़ैर एविडेंस के इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए ये येमा क्या बेवकूफ़ होंगे जो इस तरह के बड़े फतवे देने के बाद ख़ुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के अपनी मेहनत को खुद रायगा करेंगे और जहाँ तक रियासत की बात है अगर ये मौलाना फजल मौलानाफुल्जरहमान साहब इन मदारस को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी फैलाते तो मुझे आप बताएं कि आज तक इन्होंने कितने मिलियन मार्चेस किए हैं कितने धरने दिए हैं आप अगर मिलियन मार्च और धरने के ख़िलाफ़ हों तो हों कोई भी वजह हो सकती है लेकिन आप मुझे बताएं कि इनके धरनों और मिल मार्च की वजह से पाकिस्तान की साख को सालमियत को कितना नुकसान पहुंचा अगर आप कंपेयर करें बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से तो हर बंदे ने किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया सिर्फ़ ये वाद इनकी ऐसी शख्सियत या इनकी ऐसी पार्टी है जिन्हों जिनकी दहशत गर्दी से दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक नहीं है तो जब आप एक अन पसंद पार्टी को अमपसंद शख्स को अगर आप पसंद नहीं करते तो ये कभी भी एक मुसलमान का एक गैरतमंद आदमी का शेवा यह हरगिज़ नहीं होता कि वो बिला एविडेंस वह बगैर किसी वजह के किसी के ऊपर इतना बड़ा तहमत और इल्जाम लगाए आप अपने गुनाह के अकाउंट खुद खुद बढ़ा रहे हैं सियासी अख्तिलाफ रखना आपका हक है डंके की चोट पर रखें एविडेंस दे बात करें करप्शन के हवाले से कोई बात हो आप एविडेंस लेकर आएं बात करें लेकिन खुदा इस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सिर्फ और सिर्फ सियासी अख्तिलाफ की वजह से अपने अकाउंट ना बढ़ाएं अपने इस्लाम के खिलाफ दुश्मन इस्लाम को आप फ्यू ना दें क्योंकि जब वो प्रपेगंडा करेंगे फिर हमें बुरा लगेगा और फिर हम ये कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ प्रपेगंडा क्यों करते हैं आखिर में ये रियासत वाली बात भी बता दूं रियासत क्या है रियासत इमरान खान है नहीं रियासत मैं और आप हैं रियासत पाकिस्तान की है और वाकद ऐसा ही होगा जब इन मदारस के तलबा को अपने से दूर रखा जाएगा जो इस बीबीसी ने पूरी खबर में बताया कि जब इनको से दूर रखा जाएगा इनको मदारस से क्लासरूम से दूर रखा जाए तो यकीन ये दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के और स्कूल के बच्चे आज हैश चला रहे हैं कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं करनी हमें उसमें समझ नहीं आता हमें प्रमोट किया जाए लेकिन मदारस की एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि यहाँ किसी को बिलावजा प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि ये एक सेंसिटिव किस्म की एजुकेशन है यहाँ पर किसी को पर्ची के ज़रिए आगे नहीं किया जाता क्योंकि ये दीन इस्लाम की बात होती है और यहाँ पर बाकायदा पेपर्स ही के ज़रिए आप पास हो सकते हैं अदरवाइज़ आपको दोबारा से अपनी क्लास में बैठना पड़ेगा तो यकीन ये चीज़ें इसको समझने के लिए हमें न्यूट्रल होना ज़रूरी होगा और जहाँ तक मसाजिद मदारस की बात हो इसके लिए हमें न्यूट्रल होना ज़रूरी होगा आप ज़रा सा ये एहतियात कर लिया करें कि आप कितने लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं आप कितने की दिल आज़ारी कर, <us>, कर रहे हैं आप कितने मसाजिद के इमाम इमामों की दिल आज़ारी कर रहे हैं आप कितने ऐसे लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं जो इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे होते हैं लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सियासी अखिलाफ की वजह से जो आपके मुंह में आता है वो आप कह देते हैं खुदारा खुदारा जरा सा कोशिश कीजिए होश के नाखुन लीजिए सियासी इलाफों रखे मैं बार बार हर बार यही कहता हूं अब क्या होगा इस वीडियो के बाद लोग मुझे भी अजीब किस्म की गालियां देने शुरू हो जाएंगे और देते रहते हैं लेकिन मैं हमेशा से यही बात कहूंगा बात करें तो दलील के साथ करें स्पेशली जब आपा और मदारस की बात करें तो यहाँ करेक्टर असासीनेशन ना करें यहाँ आपको डबल गुना मिलेगा क्योंकि आप ऐसे लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो इस्लाम की तालीम के साथ जुड़े हुए हैं अगर आप किसी शख्स को जानते हो जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर तनकीद करता हो कि उनको बल्लफ उजरमान साहब से कोई भी इशू है उन तक ये बात पहुँचाने को ये बताएँ कि जो काम अच्छे किए हों उनको ज़रूर सराहें और अगर बात करें तो दलाल के साथ करें वरना खामोश रहें इसी में हम सब की बेहतरी है thank you very much take care allah hafiz